हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, अगर आप सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र हैं, चाहे बीए प्रोग्राम के हो, चाहे बीकॉम प्रोग्राम के हो, चाहे इंग्लिश ऑनर्स के हो, चाहे पोल साइंस ऑनर्स के हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स के हो, चाहे किसी भी कोर्सेज के हो, एसएल में अगर आप सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र हो, तो ये आज के आपके लिए ही वीडियो है। ये क्लासेस से संबंधित वीडियो है कि संडे को आपकी क्लासेस जो है होगी कि नहीं होगी। तो ये वीडियो जो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि एसएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको समय पर और सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र जो हैं इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में हैं कि उनका जो है इस संडे को यानी कि 5 जनवरी को उनकी क्लासेस होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कहाँ पे होगी और किन किन सब्जेक्ट की क्लासेस होगी। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी क्लासेस जो है वो 5 जनवरी को, एक तो ये है कि कन्फर्म है आपकी क्लासेस होगी ही। तो जिन भी सेंटरों पर अगर आपने पहले गए हैं तो वहाँ पर जाके उन्हीं पर वहीं उसी जगह पर आपकी क्लासेस होगी, तो आप जाके वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। बाकी जैसे बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में है, इस बार जो है बीए प्रोग्राम का जो है वो 1 बजे से यानी कि इवनिंग में क्लासेस क्यों हो रही है हर एक सेंटर पे, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे बॉयज़ का हो। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग में कई जगह जो है एग्ज़ाम होते रहते हैं या और भी कई दिक्कत है, जिसके कारण जो है एसएल प्रशासन ने इस बार जो है अलग अलग कॉलेज में जो है ये क्लासेस जो है इवनिंग में लगा दिया है। तो इसलिए आपको इवनिंग में ही जाना होगा और वहीं पे इवनिंग में ही क्लासेस लेना होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी क्लासेस मॉर्निंग में होगी तो नहीं होगी, आप इसके चक्कर में मत रहिए और मॉर्निंग में मत जाइए। आपकी क्लासेस जो है वो 1 बजे के बाद से ही स्टार्ट होती है, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, चाहे नॉर्थ कैंपस का क्लासेस हो चाहे साउथ कैंपस का क्लासेस हो, तो आप उसी समय पर जाएँ, बाकी पहले ना जाएँ, नहीं तो आपको वहाँ पे वेट करना होगा। तो यही है, बाकी आपकी क्लासेस उन्हीं सेंटरों पे होगी। अगर आपको मालूम चल गया होगा, अगर आपने पहले क्लासेस लिया होगा तो पहले आपको मालूम होगा, चाहे बीए प्रोग्राम की हो, चाहे बीकॉम प्रोग्राम की, चाहे ऑनर्स की, चाहे इंग्लिश ऑनर्स की, चाहे बीए ऑनर्स की, आप किसी भी कोर्सेज से, अगर आपको नहीं मालूम कि क्लासेस आपकी कहाँ पर हो रही है, आप पहले नहीं गए हैं क्लासेस लेने के लिए इससे भी पहले, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर भी अलग अलग कोर्सेज़ का जो है हमने वीडियो बनाया था इसको लेके, किन किन की सब्जेक्ट की क्लासेस किन किन कॉलेज में हो रही है, तो वहाँ पे जाके आप जो है चाहे बीकॉम प्रोग्राम के हो, चाहे इंग्लिश ऑनर्स से हो, चाहे पोल साइंस ऑनर्स से हो, चाहे बीए प्रोग्राम से हो, तो आप जाके वहाँ पे जो है हमारा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी यही अपडेट था दोस्तों। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये कन्फ्यूजन दूर हो पाए। बाकी अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।